इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र में दो पड़ोसियों में जमकर झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों की महिलाओं ने एक दूसरे के बाल नोचते हुए पीटा, मुक्के और थप्पड़ भी चलाए, लाठियों से भी मारपीट हुई। मारपीट में 5 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR दर्ज कर ली है। दरअसल घटना इंदौर के हीरानगर थाना क्षेत्र के मेहदूद नगर की बताई जा रही है। यहाँ रहने वाले अनिकेत चौहान के घर के बाहर पड़ोस में ही रहने वाले लोकेंद्र वर्मा और उसका दोस्त सिगरेट पी रहा था। इस बात को लेकर अनिकेत ने आपत्ति जताई। इसे लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के घर वाले भी बाहर निकल आए और बीच रोड पर गुत्थम गुत्था हो गए। घर की महिलाओं में भी हाथापाई हुई। वहीं अनिकेत चाकू निकाल लाया था। हमले में लोकेंद्र के साथ दूसरे लोग घायल हुए हैं। लोकेंद्र की शिकायत पर अनिकेत और उसके साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से लोकेंद्र और उसके साथी आरोपी बनाए गए हैं। पुलिस ने रात ही में सभी का मेडिकल टेस्ट करवा लिया है। कल रात को थाना हीरानगर क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना सामने आई है, जिसमें देर रात को दो पक्षों में विवाद की सूचना हमें प्राप्त हुई, जिसमें महिलाएं और कुछ बच्चे भी शामिल थे और उसका वीडियो भी हमें मिला है। प्रथम दृष्टया भी हमको जितना भी हमको पता चला है उसमें पता है कि बहुत मामूली सी बात पर से विवाद चला, जिस पर दोनों पक्ष के कुछ लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्ष की क्रॉस क्राइमिंग की गई है। कुछ एक बहुत छोटी सी बात पे से कुछ विवाद अभी फिलहाल मालूम पड़ा है। बाकी हम मामला कायम कर लिया है और बाकी जो भी तथ्य निकल के आएंगे आपके समक्ष रखेंगे। अभी दोनों पक्ष घायल हुए हैं, जैसा कि मैंने बताया, जो विधिवत जो धाराएं लगनी है उसमें लग चुकी हैं। बाकी जो भी इन्वेस्टिगेशन में समझ में आएगा हम आपको उससे अवगत कराएंगे। ठीक है।